अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजाहिदुल हसन और आप देख रहे हैं सबका पाकिस्तान। नाज़रीन, आज 8 मार्च है और इस वक्त मैं प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूं, जहां पे ख़वातीन जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं वुमेन डे को लेकर। और आपको याद होगा कि पिछले साल मारवी सरमद साहिबा ने कहा था कि मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी, ये आवाज़ बुलंद की थी। मैं इस वक्त ख़वातीन मार्च में मौजूद हूँ, मेरे साथ ये भाई मौजूद हैं, इन्होंने प्ले कार्ड पकड़ा हुआ है जिसमें लिखा है हिजड़ा छक्का खुसरा मीठा मूर्त नहीं बल्कि इंसान हूँ। आइए इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से जानते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद साहब, आपने प्ले कार्ड पकड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं उनको हम लोग इस तरह के नामों से पुकारते हैं, हिजड़ा खुसरा मूरत छक्का कहकर बुलाते हैं हम उनको। हम बात करते हैं इक्वल राइट्स की, हम बात करते हैं उनको उनके हकूक देने की। मैं कहता हूँ उनके हकूक देना भी बहुत दूर की बात है, हमारी सोसाइटी को सबसे पहले टॉलरेंस पैदा करने की ज़रूरत है, बर्दाश्त पैदा करने की ज़रूरत है। जब हम उन लोगों को इन सारे नामों की बजाय इंसान कहकर पुकारना शुरू होंगे, उस दिन हम लोग ये कह सकेंगे कि हाँ, आज हम एक सोसाइटी बन गए हैं। हाँ, आज हमारी सोसाइटी के अंदर हर इंसान को वो फ्रीली मूव कर सकता है। जिस दिन हम लोग अपनी ज़हनियत, ये भाई इस ज़हनियत का खात्मा होगा, इस ज़हनियत की शुरुआत होगी, उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि अब हम अपनी सोसाइटी को तामीर कैसे करें, हम लोग अपने इक्वल राइट्स कैसे दें, हम लोग उन लोगों को इक्वल जॉब दें, उनको इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ दें। लेकिन उससे पहले हमें बर्दाश्त पैदा करने की ज़रूरत है, हमें दूसरों की ओपिनियंस को टॉलरेट करने की ज़रूरत है। जो दूसरे की राय अगर हमसे मुख्तलिफ भी है तो उसको बर्दाश्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं अपने तौर पर ठीक है। अगर एक जाविये से किसी को 6 नज़र आ रहा है, दूसरे को 9 नज़र आ रहा है, लेकिन वो दोनों अपने अपने तौर पर ठीक हैं, तो हमें बजाय इसको कि उसको अपोज करने के, हमें उसको बर्दाश्त करने की ज़रूरत है और इस ज़हनियत के खात्मे करने की ज़रूरत है। और जो हमारे अंदर जो उनके लिए हम लोग ये समझते हैं कि मैं आला हूँ ये नीचा है, हम लोगों ने अपने ना सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट देने के लेवल्स बना लिए हैं कि अगर इसने बुर्का पहना हुआ ये रिस्पेक्टेबल है, इसने जीन्स पहनी हुई है ये रिस्पेक्टेबल नहीं है। ठीक है, मैं ये बात पैदा कर रहा हूँ कि हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी के दरमियान इम्तियाजी सलूक को रवा रखें। हमारा दीन भी ये कहता है कि तमाम इंसान बराबर हैं, किसी को किसी दूसरे के ऊपर कोई फजीलत हासिल नहीं है। तो हम लोग कौन होते हैं कि हम लोग अपनी सोसाइटी के अंदर ये लेवल्स बना लें रिस्पेक्ट देने के, कि ये हिजड़ा खुसरा है तो इसको हिजड़ा खुसरा कह के बुलाना है, इसको रिस्पेक्ट नहीं देनी, इसने जीन्स पहनी है ये तो गंदी औरत है, इसने बुर्का पहना तो बहुत अच्छा, ये जनाब नेक परहेजगार औरत है, ये इज्जत की हकदार सिर्फ यही है। अभी एक प्ले कार्ड पकड़ा हुआ था जिसपे लिखा हुआ था खाना गर्म कर दूंगी बिस्तर खुद गर्म कर लो, तो इसका क्या मतलब था? हमारी जो मर्द हजरात है ना, आपको पता है हमारी जो कंट्री है इसके अंदर मैरिटल रेप के केसेस बहुत ऊपर जा रहे हैं। मैरिटल रेप क्या होता है? हमारे मर्द हजरात ये समझते हैं कि उसने औरत से शादी कर ली तो उसने औरत को खरीद लिया और वो जब चाहे उससे हम बिस्तरी कर सकता है। उसका मतलब ये है कि हम बिस्तरी करने के लिए औरत की मर्ज़ी भी शामिल होनी चाहिए। ये नहीं है कि जब मर्द का दिल किया उठा और वो बीवी को कहा आ जाओ भाई हाजिर हो जाओ लाइन हाजिर, ऐसे नहीं होता। औरत की मर्ज़ी शामिल होनी चाहिए, औरत से पूछा जाना चाहिए। अगर इफ़ शी इज़ नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल तो मर्द जो है वो उसके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, चाहे वो उसका खावंद ही क्यों ना हो। ये बात कि उसकी मर्ज़ी, उसका कंसेंट लेना, बेसिकली ये मैसेज है उसका कि अपना बिस्तर खुद गर्म कर लो। कुरान की बकायदा आए जिसका एग्जैक्ट तर्जमा मैं आपको कर देता हूँ, तो उनकी खेती हैं जैसे चाहें उनसे फसल हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप अगर इसकी तशरीह करेंगे तो आपको पता चलेगा कि, और आप इसके अंदर मुख्तलिफ मुहद्दिसीन जो हैं जो उन्होंने तशरीह की हुई है उसके अंदर पता चलेगा कि जब चाहे जैसे चाहे नहीं। इस्लाम तो कहता है कि जो मेंस्ट्रुएशन के डेज चल रहे हैं आप उनमें हम बिस्तरी नहीं कर सकते, आप कह रहे हैं जब चाहे जैसे करें। नो, इस्लाम में मना है कि मेंस्ट्रुएशन के डेज में आप नहीं कर सकते, आप इसको कैसे हैं इसके दिनों में नहीं कर सकते हैं, इसके दिनों में मना किया गया, उसके अलावा तो नहीं मना किया गया। इसके अलावा अगर औरत मेंटली डिप्रेस्ड है, अगर औरत को कोई परेशानी है, अगर औरत फिजिकली शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, तब भी आप उसके पास नहीं जा सकते। और आपको ये एक्सप्लेनेशन जो अच्छे मुहद्दिसीन हैं, जो अच्छे मौलाना हैं, उनसे जाके पूछ लें कि अगर औरत जो है वो मेंटली तौर पे अपसेट है, वो फिजिकली तौर पे अपसेट है और मर्द जाके उसके ऊपर ज़बरदस्ती करके हम बिस्तरी करो, तो क्या वो कर सकता है? मेरे ख्याल से ये बात अक्लो फहम में भी नहीं आती, ये बात कोई भी फहम रखने वाला शख्स नहीं कह सकता कि हाँ आप उसके ऊपर ज़बरदस्ती कर सकते हैं। पिछले साल मारवी सरमद साहिबा बाहर आई थी लेकिन इस साल वो नज़र नहीं आई, क्या कहते हैं इस बारे में? ये उनकी पर्सनल उनकी मर्ज़ी है कि वो आ सकती हैं, आएँ या ना आएँ,
वो उनकी पर्सनल एक मंशा है, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे मैं यहाँ आया हूँ अपनी मर्जी से आया हूँ, मुझे किसी ने फोर्स तो नहीं किया, मैं ना आता वो भी मेरी मर्जी थी। आखिर में अगर आप कोई पैगाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैं अपनी सोसाइटी को सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ जिस पैगाम के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। इट्स नॉट अबाउट खाना खुद गर्म कर लो, बिस्तर खुद गर्म कर लो, या मेरा जिसम मेरी मर्जी। सिर्फ एक मैसेज है, बर्दाश्त पैदा करो, टॉलरेंस पैदा करो, हर इंसान को इक्वल समझो, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। हर इंसान एक इंसान है, वो औरत बाद में है, वो मर्द बाद में है, वो ट्रांसजेंडर बाद में है, पहले वो एक इंसान है यार। आप उसको खुदा के लिए, जिस दिन हम सबको इंसान समझना शुरू हो जाएंगे ना, उस दिन हमें इन मार्चों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू समाप्त की, ये कितना सही कह रहे हैं और कितना गलत कह रहे हैं इसका फैसला सिर्फ आपने करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिदुल हसन को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सबका पाकिस्तान। अल्लाह नी के बाद।